टीपू भाई, प्रथम पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप फाइनल में हारे, तो क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। इस ग्रामांचल और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में क्या? यहाँ पे, यहाँ के नज़दीकी एक टूर्नामेंट है सुकने टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइम वहीं पे आया था मैं। उसके बाद मैंने सुना कि सुकने जैसा और एक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जो कि कुशमंडल नाम से है। हमारा टीम इमेज 11 जो है वो यहाँ पे एंट्री करने वाला था, जैसे कि हमारा एक जगह पे दो टूर्नामेंट रह गया तो हम वैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए। पहले तो आप ऑल ओडिशा क्रिकेट टेनिस क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, टीपू सुल्तान के नाम से आप जाने जाते हैं, तो इस टूर्नामेंट फाइनल टूर्नामेंट में आप चले नहीं, इसका क्या? नहीं चले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपना 100% दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट शॉट बहुत है और पिच का कलर भी काला है, उसमें कोयला टाइप कुछ गिरा हुआ है और ब्लैक कलर का बॉल, कुछ उसका बॉल का मूवमेंट कुछ पता नहीं चलता है। आपको दर्शक यहाँ के बहुत सारा प्यार करते हैं, खास करके हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो इस दर्शकों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्रिकेट अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दर्शक आपको पसंद करेंगे। आपका सीक्रेट क्या है क्रिकेट के साथ? आप फिटनेस भी फॉलो करते हैं, मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है? नहीं नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं ऑफ सीजन जब होता है, क्रिकेट बंद होता है, बारिश के टाइम में मैं जिम वगैरह करके थोड़ा फिट रहता हूँ। उसके बाद जब सीज़न स्टार्ट होता है तब तो जिम में टाइम नहीं दे पाएंगे ना, सुबह शाम ट्रैवलिंग होगा, गेम होगा, तो भी तब टाइम नहीं होता, तब ऑफ सीजन में हम लोग फिट होने रहने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट आपका प्रोफेशन है या उसके अलावा भी और कुछ करते हैं? नहीं नहीं, क्रिकेट मेरा प्रोफेशन है, क्रिकेट के लिए मैं अपना स्टडी भी छोड़ दिया। मैं फ्रैंकफिन में ग्रेजुएशन भी किया था भुवनेश्वर में एयर स्ट्रेस का, उसको भी मैंने छोड़ दिया क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट मेरा प्रोफेशन है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जाऊँ क्रिकेट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू।